हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेसिंग फाइबर टू वूल। ये चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक का पार्ट है। इसी चैप्टर पे जो मैंने पहला वीडियो बनाया था उस पे मैंने आपको बताया था कि कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनके हेयर होते हैं, जिस हेयर को कहते हैं फ्लीज, और इनके फ्लीज से वूल बनती है। लेकिन ये एक थोड़ा सा लंबा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, इसमें कई स्टेप्स होते हैं। उसके बाद में जाके हमें वो वूल मिलती है जिससे आप लोग उसके बने हुए ऊन के वूल के बने हुए आप स्वेटर पहनते हो, या उसके वूल के फैब्रिक के बने हुए कपड़े जैसे कोट वगैरह पहनते हो। तो ये प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर टू वूल में जो स्टेप्स होते हैं उनको आज हम थोड़ा समझ लेते हैं एक एक करके। तो पहला इसमें स्टेप होता है शियरिंग। फर्स्ट स्टेप इज शियरिंग। शियरिंग का मतलब होता है बेसिकली रिमूविंग देयर फ्लीस विद ए थिन लेयर ऑफ स्किन। जो उनके बाल है उसको निकाल दिया जाता है और उन बालों के साथ में उनकी स्किन की पतली सी लेयर भी निकल के आ जाती है। तो आजकल तो ये सब काम मशीनों से होता है। पहले जो शीयरिंग के लिए लोग सीजर्स वगैरह का यूज़ करते थे और उससे बाल काटते थे। आजकल जैसे आप बार्बर के पास जाओ अपने बाल कटवाने के लिए, तो उसके पास एक मशीन होती है जिससे वो बाल काटता है। उसी प्रकार की मशीन होती है शीयरिंग के लिए यूज़ करते हैं, जिससे उसके सारे बाल निकल आते हैं। तो जब बाल निकालने के लिए कौन सा समय चुना जाता है? अभी आपको मैंने बताया था कि इनके फर होती क्यों है, शीप हो, गोट हो, केमल हो, इनकी फर होती है ताकि इनको सर्दियों में ठंड ना लगे। इनका प्रोटेक्टिव कोट होता है एक प्रकार का। तो सर्दियों में अगर काटेंगे तो इनको ठंड लग जाएगी, बीमार हो जाएंगी, तो इसलिए ये बाल गर्म मौसम में काटे जाते हैं, हॉट वेदर में काटे जाते हैं, ताकि सर्दियां आने तक, विंटर आने तक इनके बाल फिर से निकल आएँ और इन्हें एक प्रोटेक्टिव कोट मिल जाए। तो ये हम हॉट वेदर में काटते हैं और इसके लिए मशीन्स होती हैं, शियरिंग मशीन्स होती हैं। और ये जब बाल निकलते हैं तो उनकी टॉप लेयर भी निकल जाती है स्किन की। अच्छा, इनको पेन क्यों नहीं होती? अगर इनकी बाल काटे जा रहे हैं और पतली सी जो लेयर है स्किन की वो भी काटी जा रही है, तो पेन क्यों नहीं होती? पेन इसलिए नहीं होती है क्योंकि जो टॉप लेयर होती है इनकी स्किन की उसमें डेड सेल होते हैं। जैसे हम लोग भी अपना दाढ़ी वाड़ी बनाते हैं तो पेन नहीं होती है, तो इसी प्रकार इनको पेन नहीं होती क्योंकि जो टॉप लेयर है, थिन टॉप लेयर जो है उसमें डेड सेल्स होते हैं। तो जब इनके सारे बाल काट लिए, उन बालों का फिर क्या करते हैं? वहाँ वो सारा प्रोसेसिंग का सेकेंड स्टेप हो गया स्काउरिंग। इसको ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है, स्काउरिंग का प्रोसेस होता है उन बालों को साफ करना, वो जो फाइबर्स निकले हैं काट के उनको साफ करना। उसमें डर्ट हो सकती है, डस्ट हो सकती है, ग्रीज हो सकती है, तो जो भी उसमें गंदगी है उसको साफ करने के लिए इनको स्काउरिंग की जाती है। पुराने समय में टब्स में उनको वॉश किया जाता था मैनुअली, आजकल मशीनों से काम हो जाता है। तो जब ये इनके बाल साफ हो गए सारे, तो इनको भेज दिया जाता है फैक्ट्रीज में अलॉन्ग विद दैट स्किन। किस चाम काम के लिए? सॉर्टिंग के लिए। सॉर्टिंग का मतलब होता है अलग करना, छांटना। मान लीजिए आप दो भाइयों की किताबें मिक्स हो जाएं, एक सेवन्थ में है, एक सिक्स्थ में है, तो फिर आप उन बुक्स को छांट के अलग करोगे। तो वैसे इसको छांटा जाता है, इन बालों को, इस फ्लीस को। क्यों छांटा जाता है? क्योंकि अलग अलग प्रकार की फ्लीस का अलग टेक्सचर होता है, अलग अलग प्रकार के फाइबर का अलग टेक्सचर होता है।
टेक्सचर क्या चीज़ होती है, टेक्सचर एक चीज़ की क्वालिटी है, मान लीजिए कपड़ा है उसकी क्वालिटी है जो हमें टच करके महसूस होती है। हम उस कपड़े को टच करते हैं, मान लीजिए सिल्क के कपड़े को टच करते हैं हमें सॉफ्ट लगता है, किसी रफ कपड़े को टच करते हैं हमें अलग फीलिंग आती है, तो वो उस चीज़ का टेक्सचर है। तो ऐसे ही जो ये फ्लीस और फाइबर मिल गए हैं, जो सफाई भी हो गई है, उसमें अलग अलग प्रकार का टेक्सचर होगा। वो जो सॉर्टर्स होते हैं उनको अलग करते हैं, उनको इतना एक्सपीरियंस होता है कि कैसे सॉर्टिंग करनी है उनके फ्लीस के या फाइबर के टेक्सचर के अनुसार। जैसा टेक्सचर होगा उस फाइबर का, उसके अनुसार उसको अलग छांट लेंगे। छांटने के बाद क्या काम होता है, फोर्थ स्टेप, उसको कहते हैं क्लियरिंग ऑफ बर्ड्स। WRS इस फाइबर में छोटे छोटे बड़े फ्लफी मतलब रोएदार कुछ फाइबर्स होते हैं, जिनमें कभी कभी हल्के हल्के बिल्कुल माइन्यूट गोले से बन जाएंगे। ऐसा आपने देखा होगा कि कई बार आप कोई स्वेटर पहनते हो, नया होगा तो अच्छा होगा, लेकिन दो चार बार पहनोगे या दो चार महीने के बाद देखोगे छोटे छोटे गोले बन जाएंगे। वो जो क्या होता है कि जो उसमें बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, फ्लफी फाइबर्स होते हैं, उनके गोले बन जाते हैं। तो उनका कोशिश होती है इसमें कि इनको पहले हम आगे प्रोसेस करें, उसके पहले इनको क्लियर कर लें, जो भी फ्लफी फाइबर्स हैं, फ्लफी फाइबर्स हैं जो बाद में जाके बर्ड्स बन जाएंगे। तो फ्लफी फाइबर्स को निकाल देते हैं, इनको कहते हैं क्लियरिंग ऑफ द बर्ड्स। तो ये चार स्टेप हो गए। इसके बाद में इसी स्टेज में फिर एक बार इनको धोया जाता है, फिर स्काउरिंग की जाती है। और उसके बाद में फिर इनको ड्राई किया जाता है। एक बार तो स्काउरिंग की थी हमने काटने के बाद, दूसरी बार स्काउरिंग की इनके बर्ड्स निकालने के बाद, जो फ्लफी फाइबर्स हैं जो बर्ड्स में बन जाते हैं उनको स्काउरिंग मतलब उसको धो के साफ कर दिया जाता है, और ये जो गीले फाइबर होंगे उसको सुखाया भी जाएगा। ठीक है, तो स्मॉल फ्लफी फाइबर्स को निकाल के क्लियरिंग की जाएगी और स्काउरिंग की जाएगी और ड्राई किया जाएगा। अभी नेक्स्ट आ जाएगा स्टेप नंबर 5। जो ऊन हमें, जो फाइबर हमें इन एनिमल्स से मिलता है, वो जनरली 2 या 3 कलर का होगा, ब्लैक होगा, वाइट होगा, ब्राउनिश होगा। लेकिन हमें जो वूल चाहिए या हमें जो फाइबर फैब्रिक चाहिए वो कई कलर्स में होता है। तो यहाँ पे इनको फिर डाई किया जाता है, इन फाइबर्स को डाई किया जाता है, अलग अलग रंगों में रंग दिया जाता है, ताकि हमें अलग रंगों की ऊन मिले और अलग रंगों के फैब्रिक मिले। डाइंग के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है रोलिंग, और इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है स्ट्रेटनिंग, स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, और स्ट्रेटनिंग का मतलब सीधा करना। ये जो फाइबर्स हमें मिले हैं 4 स्टेप के बाद, ये जनरली कर्ली होते हैं, घूमे हुए, जैसे आपने देखा हो कई बच्चों के बाल सर पे होते हैं, घूमे होते हैं, कर्ली होते हैं। तो चूंकि हमें कर्ली फाइबर्स नहीं चाहिए यार्न बनाने के लिए, तो इनको मशीनों में स्ट्रेटन सीधा किया जाता है, स्ट्रेटनिंग। फिर उसके बाद में दूसरा स्टेप होता है कूमिंग, कॉम्ब तो होता है कंघा, जिससे हम बालों को कंघी करते हैं, अपने बालों को सीधा करते हैं।
यहाँ पे क्या होता है कि जो रेशे हैं, जो फाइबर्स हैं, उनको सीधे सीधे पैरेलल लाइंस में लगाया जाता है मशीनों द्वारा, ताकि इन पैरेलल लाइंस में जो धागे बने हुए हैं उनको रोल कर सकें, और फिर इसको रोल किया जाएगा, घुमा के यान बनाया जाएगा। यान मतलब धागा। तो रंग दिया, रंगने के बाद उसको स्ट्रेट किया, मतलब जो जो उसके कर्ल्स हैं, कर्ल्स को रिमूव किया, उसमें जो घुमाव हैं, पेच हैं, उनको रिमूव किया। उसके बाद में जितने भी यान, जितने भी फाइबर्स हमने एक यान में रोल करने हैं, उनको सीधा मशीनों से ऐसे पैरेलल लगा लिया। पैरेलल लाइन जानते हो ना, जो लाइनें जो आपस में मिलती नहीं है, उनको पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो ये पैरेलल उनको अरेंज कर लिया, पैरेलल अरेंज करने के बाद रोल करके इनका यान बनाया। और इसमें ये होता है कि जो लंबे फाइबर्स होते हैं, जो लंबे फाइबर्स होंगे उनसे बनेगी वूल। और जो छोटे फाइबर्स होंगे, स्मॉल फाइबर्स, उनसे बनेगा फैब्रिक। फैब्रिक मतलब कपड़ा। स्ट्रेटनिंग, कोमिंग, रोलिंग। रोलिंग में अब ये करेंगे, दो इसमें हो जाएंगे फंक्शन। एक फंक्शन है वूल बनाने का। वूल किसकी बनेगी? लंबे फाइबर से। और जो छोटे फाइबर्स हैं उनसे बनेगा फैब्रिक। उनको वीव किया जाएगा। वीव मतलब बुनना, बुनकर उनसे कपड़ा बनाया जाएगा यॉन से। तो ये हमें फाइनली, हम चले थे भेड़ से, उसकी फ्लीस को काटा, उसमें 6 स्टेप के प्रोसेस करने के बाद हमें वूल मिल गई जो मार्केट में बिकेगी। आप लोग जाएंगे, खरीदेंगे, आपकी मम्मी उससे स्वेटर बनाएंगी, या फिर उसका कपड़ा बन जाएगा, वो शॉप में आपको मिलेगा, अपना कोट सिलवाएंगे आप। तो ये ऊनी स्वेटर हो गया, ये ऊनी कोट हो गया। तो इस सारे प्रोसेस को हम अगर लिख रहे हैं 6 स्टेप्स में, तो ऐसे लिख सकते हैं कैसे ये स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हमने किया इनका शियरिंग, मतलब उनके जो फ्लीस थी उसको काटा, उनके जो बाल थे काटा। उसके बाद हमने किया उसको स्काउरिंग, उसको सफाई किया। उसके बाद सॉर्टिंग किया, कैसा टेक्सचर है वूल का या फाइबर का, उस टेक्सचर के अनुसार उनको अलग अलग छांट लिया। सॉर्टिंग के बाद हम क्या करेंगे, बीच में दोबारा इसको करेंगे स्काउरिंग और ड्राइंग, एक बार फिर धोएंगे। यहाँ थोड़ा से लिख देता हूँ मैं, स्काउरिंग एक बार फिर होगा यहाँ पे, और ड्राइंग होगा, सुखाया जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, क्लियरिंग ऑफ बर्स। क्लियरिंग ऑफ बर्क, बर्क होते हैं स्मॉल फ्लफी यार्न्स, स्मॉल फ्लफी फाइबर्स, ठीक है। और उसके बाद में रोलिंग, रोलिंग में भी 3 स्टेप है, स्ट्रेटनिंग, कोमिंग एंड रोलिंग। उनको सीधा किया जाएगा, फिर उनको पैरेलल मशीनों द्वारा करके यार्न बनाया जाएगा। तो इस प्रकार हमें, ये हमारा प्रोसेस होता है फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक, ठीक है, या फाइबर टू वूल, दोनों के लिए आएगा, फाइबर टू फैब्रिक एंड फाइबर टू वूल। क्योंकि मैंने कहा था जो लंबे फाइबर्स होते हैं उनकी वूल बनती है। तो ये तो हो गया प्रोसेस, लेकिन इस प्रोसेस में कुछ वर्कर्स को थोड़ा सा दिक्कत भी आती है। वो आपकी बुक में दिया हुआ है उन्होंने, सॉर्टर्स डिजीज, सॉर्टर्स डिजीज। सॉर्टर वो लोग हैं जो उनकी छटाई, फाइबर की छटाई करते हैं उसके टेक्सचर के अनुसार। तो ये होता है कि कुछ भेड़ों की फर में एक बैक्टीरिया होता है, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स बैक्टीरिया होता है, ये जब इसकी फर में होता है, शीप की फर में होता है, जब वो ये सॉर्टर उस फर को सॉर्ट करते हैं, उसके टच में आते हैं, तो उनको एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है एंथ्रेक्स।
इस बीमारी के लिए एक वर्ड होता है ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। जिसका हिंदी में मीनिंग है व्यावसायिक खतरा। जो व्यवसाय ये कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं मतलब काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उस काम करने के कारण इनको रोग हो सकता है, तो व्यवसाय से ये खतरा उत्पन्न हुआ है, तो इसलिए व्यावसायिक खतरा ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। ये तकरीबन कई व्यवसाय में, मान लीजिए जैसे कोई मैसन है, मिस्त्री है, किसी ऊंची बिल्डिंग में बाहर काम कर रहा है, तो वहाँ पे अगर थोड़ी लापरवाही हो गई तो गिर सकता है, उसको चोट आ सकती है, तो ये भी एक खतरा है, ये ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है। तो इस प्रकार हमने समझ लिया कि हमें जो वूल कैसे मिलती है, कौन से पशु हैं जिनके फ्लीस से वूल बनती है, और वो वूल बनाने का प्रोसेस क्या है, फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक एंड फाइबर टू वूल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिल्क कैसे बनता है, वो भी एक नेचुरल फाइबर है। ओके, थैंक यू।